नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज 24 और मैं हूं नेहा आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। रानीपुर दो सैकड़ा के लगभग कांवड़ियों का क्या हुआ नगर में भव्य स्वागत। रानीपुर नगर में ओरछा से पैदल चलकर आए हजारों की संख्या में कांवड़ियों द्वारा भव्य स्वागत हुआ। रानीपुर के करीब 6 जगह से शनिवार के दिन सैकड़ों की संख्या में नगर के युवा बच्चे कांवड़ भरने के लिए ओरछा धाम पहुंचे। रविवार को रात्रि में कांवड़ भरकर नगर रानीपुर के गायत्री शक्तिपीठ मंदिर व पेट्रोल पंप के समीप पहुंचे, जहां गायत्री मंदिर में रानीपुर के वरिष्ठ समाजसेवी विनीत श्रुतिया ओम प्रकाश गुप्ता भैया जी के द्वारा सभी कांवड़ियों को रात्रि में भोजन की व्यवस्था व सुबह से कांवड़ियों को फलहार कराकर शिवालय मंदिर की ओर प्रस्थान कराया गया। हजारों की संख्या में महिला पुरुष कांवड़ लेकर जुलूस में शामिल हुए। जुलूस में आधा दर्जन से लगभग डीजे चल रहे थे, जिस पर युवा बच्चे थिरकते नजर आए। रानीपुर से संवाददाता नरेश अग्रवाल की रिपोर्ट। अब जैसे पानी भी जो सब जाएंगे अलग अलग पूरी 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 भैया ओए छोटू, जो हमने वीडियो बना ला ये सेव कर दो वीडियो। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए चैलेंज न्यूज 24 के साथ। नमस्कार।
बांदा में संदिग्ध परिस्थितियों में तालाब में तैरता मिला वृद्ध का शव। कल सुबह से घर से लापता था मृतक, परिजनों ने पुलिस को दी थी लापता होने की सूचना। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी तालाब में शव होने की सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको तालाब से बाहर निकलवा कर परिजनों से कराई शिनाख्त। वृद्ध की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। घटना बबेरू कोतवाली के अंतर्गत श्री मैरिज हाउस के सामने रामबाग तालाब बबेरू की है। बांदा से पुरुषोत्तम कुमार बुंदेला की रिपोर्ट।